तो दोस्तों आप सामने से इसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओखला पर्ची विहार बुद्ध नगर। और हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे और सारी चीजें। आप देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में हैं वगैरह वगैरह वगैरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्ट्रिक्ट बैंक ऑफ है। दोस्तों मैं हूँ रामकेश और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी नोएडा। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा कुछ दिखाने वाला हूँ, तो जो मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नेस्टेड मैंगो पे वीडियो पोस्ट करते थे, बट आज से हम लोग आरके ब्लॉग पे हम लोग पोस्ट करेंगे जो भी घूमने फिरने वाली वीडियो होंगी। तो होप कि आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफर। और आप देख सकते हैं कि मेरे दो दोस्त अभी तैयारी में लगे हुए हैं, बट आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए इंजॉय करेंगे आज। और यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग हैं अपने पीसी पे, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और दिन वहाँ पे जाएंगे और सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और दोस्तों अभी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल अभी हम लोग हैं नोएडा 62 में, जहाँ पे हम लोग का पीजी है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बर्ड सर्जरी नोएडा। तो चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए निकल चुके हैं। देखिए आप भी मेरे दोस्त हैं यहाँ साथ में बंदर को। तो दोस्तों और आगे दिखा दे जाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे 40 के पास हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी ऑटो या बस लेके जाएंगे, और फिर मेट्रो जाएंगे, वहां से जाएंगे, फिर सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये मेट्रो है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है 62 तक की, अभी जस्ट आई थिंक नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि मेट्रो जब स्टार्ट हो जाएगी तो हमें यहाँ से कोई बस या ऑटो पकड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आज संडे है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा रोड ज़्यादातर खाली है, अदरवाइज यहाँ पे आपको अक्सर ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हम लोग नोएडा सिटी सेंटर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पे। तो अभी मैं आपको सारा कुछ बताने ही वाला हूँ, बट फिलहाल अभी हम लोग नोएडा सिटी सेंटर 20 मिनट्स में यहाँ पे आ गए। यहाँ आप इसको मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, वेब सिटी सेंटर नोएडा। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों कार्ड को हमने जस्ट चेक कर लिया कितने बैलेंस है, और अभी हम लोग नोएडा सिटी सेंटर हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि नोएडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे दोस्तों लोग अपने कार्ड का यूज़ करके अंदर आ रहे हैं। और यहाँ से हम लोग सीढ़ियों पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इधर सीढ़ियाँ हैं, इस साइड भी है जो सबसे लास्ट में है, और इस साइड भी। तो वो आप इधर आए होंगे, अगर नहीं आए तो पूरी जर्नी को एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि नोएडा सिटी सेंटर से हम लोग जस्ट बोटेनिकल गार्डन गए, और वहाँ से हम लोगों ने मेजेंटा लाइन पे आके यहाँ पे आपको मिलता है एक बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे बर्ड सेंचुरी पे, ये मेट्रो स्टेशन है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है इसका। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे चलते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। आपको
दोस्तों, अभी हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं, और उसके बाद हमको तकरीबन 400 मीटर वहाँ से चलना पड़ा पैदल, और वहाँ के बाद हम लोग आई थिंक बर्ड सेंचुरी पे आ चुके हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लेटर्स आपको उल्टा दिखाई दे रहे होंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ओखला बच्ची बिहार गौतम बुद्ध नगर। तो आई थिंक यहाँ पे हैं, और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको सामने से भी एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप सामने से इसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओखला पर्ची बिहार बुद्ध नगर। और हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे और सारी चीजें। आप देख सकते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, अभी हम लोग ओखला बर्ड सेंचुरी में आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग ने 30 रुपये पे करा टिकट के लिए। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, आई थिंक हम इसे तालाब बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है। तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, मैं आपको आई थिंक लाइटिंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, बाकी आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। और अभी हम लोग पूरा घूमेंगे और मैं आपको पूरी तरह से इसको दिखाने वाला हूँ, और आप पूरा इंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी पंछी तो हमें अंदर ही दिख रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको आगे का कैमरा यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सामने मेरे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाव है, और यहाँ पे जस्ट आई थिंक कुछ ड्रम्स वगैरह रख के इसको रोका गया है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग जाके फोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ से लोग शूट भी करते हैं, अंदर आ नहीं पा रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है इससे जाने से, क्योंकि अगर हो सकता है आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। और जो मेरे दोस्त बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बट मैं फोन लेके अंदर नहीं जाना चाहता। अब बात करें पंछियों की, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप अंदर देख सकते हैं। लाइक पंडुबी टाइप की पंछी यहाँ पे हैं अंदर, जो बैठे हुए हैं। और ये कितना बड़ा है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो इस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग उसके ऊपर भी चढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट टू मी। तो चलिए हम लोग इस पे चलते हैं, जिस पे जस्ट ड्रम लगा के रस्सी से रोका गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सो लेट्स ट्राई। या तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाव भी है। वाओ, देखिए यहाँ पे काफी लोग फोटो खिंचवाने में बिजी हो चुके हैं, बट मैं बिजी हूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। लोगों को फोन से भी डर लग रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ड्रम को लगा के यहाँ पे रोका गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बोट दिखाता हूँ, और होप आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, बोट है, आई थिंक यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसका यूज करते हैं। और हम लोग और अंदर जाके देखते हैं। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक प्लेसेस के हम लोग वीडियो यहाँ पे डालने वाले हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मछलियों को देखूँ, बट मुझे मछलियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। और यहाँ पे जलकुम्भी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, बट मछली तो अभी मुझे कोई दिखी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हवा वो काफी अच्छी लग रही है। आप अभी तो हम लोग अगर बात करें आज का डेट, दोस्तों तो अभी हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से लाइट काफी लग रहा है। और मैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था बोट, यहाँ पे लाइटिंग आई थिंक तो यहाँ पे है। और देख सकते हैं पीछे मेरे दोस्त हैं, और इधर का व्यू लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इधर का लाइट सही से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सूर्य हमारी इस साइड में है। तो दोस्तों, आपको जब भी टाइम मिले, अगर आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा साइड रहते हैं, तो दिल्ली के नज़दीक का सबसे नज़दीक का बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोस्तों, बता दूँ आज का जो डेट है, क्योंकि होप कि आपके अंदर दिमाग में चल रहा होगा कि आज का डेट कौन सा है। तो आज है 16 फरवरी 2019। तो हम लोग आज घूमने आए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अंदर और भी देखेंगे। सो सी यू।